इम्पॉर्टेंट है तो एक्सप्रेशन फॉर मोमेंटम कैरिड बाई ईएम वेव्स, ये एनसीईआरटी के अंदर बहुत आता है कि वैल्यू लिखो या ये बताओ कि या प्रूव करो कि ईएम वेव जब ट्रैवल करती है तो मोमेंटम कैरी करती है, तो कितना मोमेंटम कैरी करती है। तो याद रखना जब ईएम वेव मूव करती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो वो लीनियर मोमेंटम को कैरी करती है। तो लीनियर मोमेंटम कितना कैरी करती है उसका फॉर्मूला नोट कर दो, टोटल एनर्जी ऑफ ई एम वेव डिवाइडेड बाय सी, ये फॉर्मूला बॉक्स में डालो, ये काम आएगा फॉर्मूला, कितनी एनर्जी है ई एम वेव की डिवाइडेड बाय क्या सी। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी यू। कंप्लीट एब्जॉर्प्शन से मेरा मतलब है जैसे लाइट आई, लाइट में फोटोन्स हैं, सारे फोटोन्स आए और सारे फोटोन सरफेस से एब्जॉर्ब कर लिए तो इतना मोमेंटम उसने ट्रांसफर कर दिया। अब सपोज करो आपकी सरफेस प्योर एब्जॉर्बर नहीं है, वो कहेगा प्योर रिफ्लेक्टर है, रिफ्लेक्टर का मतलब है फोटोन्स आए टकराए, सारे फोटोन कोई भी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, टकरा के वापस चले गए। तो याद करो प्लस वन का टॉपिक, जब एक बॉल आती है विद द मोमेंटम ऑफ पी और टकरा के वापस जाती है विद द मोमेंटम ऑफ माइनस पी, माइनस साइन डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, पी माइनस माइनस पी टू पी, जीरो नहीं होता। तो वैसे ही अगर वो प्योर रिफ्लेक्टर है तो एनर्जी भी क्या हो जाएगी उसमें डबल, तो इसमें टू टाइम लगाना पड़ेगा आपको, उसमें मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इसमें डबल हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, जो मोमेंटम है मोमेंटम पी यू बाई सी की जगह मोमेंटम टू यू बाई सी होगा, पढ़ना पड़ेगा, प्योर रिफ्लेक्टर है प्योर एब्जॉर्बर है, ठीक है यहाँ तक।